नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा जी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, जो हम लोग 1500 करंट अफेयर्स चला रहे हैं जनवरी 2017 से अभी तक जून तक है, इसके बाद अगर पोस्टपोन और एग्ज़ाम होता है तो हम लोग उसको टिल डेट तक जो है 1500 क्वेश्चंस में जो है आपको कवर अप कर देंगे। तो ज़रूर देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस 12 वीडियो अपलोडेड है, उसको भी देख लो, और हम लोग सीरीज़ में जो है देते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग 601 से 650 तक हम लोग कवर अप कर लेते हैं। तो देखो, पहला जो है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने सस्पेंड कर दिया फ्लाइंग लाइसेंस किसका? कोयम्बटूर बेस्ड कैरियर एयर कार्निवल का, ठीक है। उनको एक भी सिंगल फ्लाइट सिंस अप्रैल, जब तक उनको मिला था परमिशन उस दिन से एक भी उन्होंने फ्लाइट नहीं चलाया, उसीलिए सस्पेंड कर दिया गया है। अच्छा, द बुक इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर, ये लॉन्च किया गया है कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी की तरफ से, और इसका जो ऑथर है दैट इज़ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जयराम रमेश जी। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं फॉर्मर उत्तराखंड। अच्छा, ये चीफ मिनिस्टर जो थे ऑफिशियली हैंडेड ओवर फर्स्ट कॉपी ऑफ 450 पेज का एक बुक है, युग पुरुष भारत रत्न अटल जी प्रेसिडेंट को इन्होंने दिया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर रिसर्च जो थे पद्मश्री प्रोफेसर प्रद्युम्न किशन कौर, वो गुजर गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख लेना। यू वॉज अ फाउंडर डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर, तो ये भी रिलेवेंट क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन थे एंड उन्होंने कौन सा जो है फाउंडर डायरेक्टर कौन इंस्टीट्यूट के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने एक ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लांट जो है 16 मेगावाट का, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तेलंगाना मेदक डिस्ट्रिक्ट में जो है इन्होंने बनाया है, सेटअप किया है, उसका इनॉग्रेशन किया है, और ये सेटअप जो किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने किया है। और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए पैसेंजर्स टू बाई ऑनलाइन ट्रेन टिकट्स इंडियन ने एक इंट्रोड्यूस किया है बाई नाउ पे लेटर, मतलब अब अभी खरीदोगे और बाद में जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एक 15 दिन का आपको जो है दिया जाएगा विंडो क्रेडिट पीरियड दिया जाएगा, ठीक है। और ई पे लेटर मुंबई बेड एक फिनटेक फर्म है जो ज्वाइंट IRCTC से करके ये न्यू फीचर्स लेके आई है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक द बुक जो है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये ऑथर किया है अरुंधति रॉय ने, ये अभी रिसेंटली हुआ है। ओके, और एक चीज़ जो है, अभी UGC ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दोनों जो है अब ज़्यादा दिन ये नहीं रहेंगे, क्योंकि एक हायर एजुकेशन रेगुलेटर आ रहा है जिसका नाम है हीरा HEERA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख लेना। अच्छा, इंडिया लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-17 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, दैट इज़ कौरव फ्रेंच गिने से। अच्छा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक रॉकेट PSLV-C38, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से इन्होंने ये लॉन्च किया है, कैरी करी है कार्टोसाइट 2 सीरीज सैटेलाइट जो पूरा डिफेंस फोर्सेस के लिए है, अलोंग विथ 30 को पैसेंजर सैटेलाइट भी इसमें छोड़ा गया है। इसमें 29 नैनो सैटेलाइट्स हैं जो 14 कंट्रीज से लिया गया है, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, इन लोगों से, एंड US से भी है, एंड 1 इंडियन नैनो सैटेलाइट भी इसमें है। चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया फर्स्ट एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप जो स्टडी करेगी ब्लैक होल्स, पल्सर्स, गैमा रे वर्स जो भी हैं, ये वहाँ पे उनका नाम जो है इनसाइट, ये ज़रूर याद रखना है, इनसाइट। जापान ने लॉन्च किया है एक सैटेलाइट हाई प्रिसीशन जियो लोकेशन सिस्टम है जो कम्प्लीमेंट करेगी US ऑपरेटेड GPS, H2A रॉकेट ब्लास्ट किया है आपका जापान से, और ये कैरी कर रही है मिचिबिकी नंबर 2 सैटेलाइट जो भी है इसका नाम। चाइना बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB अनाउंस किया है $329 million रोड एक्सेस करने के लिए जो गुजरात के विलेजेस हैं, एक लोन सैंक्शन किया गया है। RBI ने अलाउ किया है सिस्टमेटिकली RBI ने अलाउ कर दिया है सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो भी है वो सेल एंड कर सकती है मार्केट में न्यू पेंशन स्कीम जो NPS है, जो आपका चालू हुआ है 1/1/2004, उसके बाद से जो भी ज्वाइन किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी हैं वो न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, इवन प्राइवेट एंड स्टेट भी इसको फॉलो कर रहे हैं। नेपाल SBI बैंक का सब्सिडियरी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक लॉन्च किया है फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल बैंकिंग सर्विस कहाँ पे, काठमांडू में। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इनॉग्रेट किया है 36 नवट फाउंडेशन डे सिल्वर जुबली जो है न्यू दिल्ली में,
ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम भी है, पायनियरिंग इनिशिएटिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन नाबार्ड का। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एक रिवाइज पॉलिसी ऑफ माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम, ठीक है। इससे अकॉर्डिंगली क्या होगा, फैमिलीज़ को ईयरली इनकम जिसका 7.5 लाख है वो बेनिफिट होंगे। ये करेगी इम्प्रूविंग टू द गर्ल चाइल्ड रेशियो जो है, प्रिवेंट करेगी सेक्स डिटर्मिनेशन एंड फीमेल फोर्टिसाइड एंड सपोर्ट करेगी फीमेल एडुकेशन को। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, ठीक है। अब पेंशन स्कीम जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए 8% फिक्स रेट मिलेगा उनका सेविंग्स के ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ 10 साल तक। मिनिस्ट्री एंड वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मेनिका गांधी ने लॉन्च किया एक ऑनलाइन कॉम्प्लेन मैनेजमेंट, टाइटल दिया है सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स सी बॉक्स। कुछ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा वर्क प्लेस में उसमें आप कंप्लेन कर सकते हो। कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एलिवेट 100 स्कीम, आइडेंटिफाई करेगी इनोवेटिव स्टार्टअप्स को। जिज्ञासा स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में, ये CISR की तरफ से हुआ है, KV के साथ मिलके ये इम्प्लीमेंट करेंगी, ठीक है KVS। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने लॉन्च किया आयकर सेतु, एक इनिशिएटिव है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, डायरेक्टली कम्युनिकेट किया जाएगा टैक्स पेयर्स के सो दैट वो उनको यूजफुल टैक्सेस सर्विसेज मिले। मेघालय चीफ मिनिस्टर मुकुल सांगमा रिसेंटली लॉन्च किया एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट लाइवलीहुड इंटरवेंशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ, ठीक है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। उड़ीसा CM नवीन पटनायक जी नेशंस डेडिकेट किया नेशंस के स्टेट लॉन्गेस्ट ब्रिज जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 2.8 किलोमीटर है ब्रिज। ये ऑन द रिवर ऑफ कथोगोजोरी जो है कनेक्ट करेगी भुवनेश्वर एंड कटक को। इससे क्या होगा, आपका डिस्टेंस दोनों सिटीज़ की 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम अपनी गाड़ी अपना रोजगार, 100 उबेर मोटोबाइक्स दिया जाएगा इस स्कीम्स में तहत सब्सिडाइज रेट में जो भी युवा है। मेघालय चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया मिशन फुटबॉल शिलोंग में, ये डेवलप करेगी स्किल्स फुटबॉल इंथुसियास्टिक जो भी हैं फुटबॉलर्स कंट्री के। फाउंडेशन स्टोन दे दिया गया है कंट्री का बिगेस्ट ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में, ये ट्रेन करेगी 100 स्टूडेंट्स एवरी ईयर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर। सेंट्रल एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया $220 मिलियन की जो इम्प्रूव होगा कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑन हाईवेज ऑफ राजस्थान का, ठीक है। प्रेसिडेंट ने पास कर दिया गया कर्नाटक असेंबली टू लीगलाइज ट्रेडिशनल बफलो रेस कामबाला। जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन जिसमें इम्प्लीमेंट होगा GST, ये हो जाएगा स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी है वो नए टैक्स रिजिम में आ जाएंगे। अहमदाबाद सिटी ने जो है हैज डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी 45 सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो हेल्ड हुआ है पोलैंड में, क्राको पोलैंड। दिल्ली बिकम सेकेंड स्टेट हो चुका है ERTI पोर्टल लॉन्च करने के लिए सो दैट डायरेक्टली आप ऑनलाइन RTI कर सकते हो। महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट था ऑनलाइन RTI प्लेटफॉर्म के लिए। महाराष्ट्र बन चुका है फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जो वुमेन को इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फ्री देगा। राजस्थान बन चुका है कंट्री का फिक्स मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोऑपरेटिव बॉडी पोल्स के लिए, ये एजुकेशनल फिक्स हो गया है जो क्लास 5 से क्लास 8 तक रखा गया है। महाराष्ट्र बन चुका है फर्स्ट स्टेट जो सोशल बॉयकॉट करेगी क्राइम आफ्टर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी क्लियर द लेजिस्लेशन पास करने के बाद वो सोशल बॉयकॉट करेगा एक क्राइम को। द रूलिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग हैज़ सिलेक्टेड मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्स साहिद खाकन अब्बासी जो है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। TR जियलिंग अपॉइंट किया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड, ठीक है, गवर्नर PB आचार्य की तरफ से, और ये इनका जेलिंग का जो है सेकेंड टर्म है। डॉक्टर मिस्टर रामनाथ कोविंद बन चुके हैं 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट PV सिंधु अपॉइंट हो चुके हैं Group 1 ऑफिसर ऑफ आंध्र प्रदेश, तो आपको ये पूछ सकता है कौन से स्टेट के लिए उनको Group 1 स्टेटस मिला है। मंगोलियन बिजनेसमैन मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट खाल्तमा बटुलगा जो बन चुके हैं मंगोलिया के प्रेसिडेंट। सीनियर एडवोकेट KK वेणुगोपाल वो अभी हो चुके हैं अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। जस्टिस गोपाल प्रसाद प्रजुली न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल बन चुके हैं। BCCI अपॉइंट किया है भारत
अरुण को इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच, और संजय बांगर जी रहेंगे असिस्टेंट कोच, एंड आर श्रीधर रहेंगे फील्डिंग कोच 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप तक। वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा जो है बैन हटा लिया गया सूडान फुटबॉल एसोसिएशन से, उनको ऊपर बैन लगा था क्योंकि वो कुछ एग्रीमेंट जो है वो नहीं कर पाए थे एज़ पर आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द फीफा जो भी स्टैटट था। तमिल फिल्म एक्टर कमल हसन अपॉइंट हो चुके हैं ब्रांड आइकन ऑफ प्रो कबड्डी लीग, ये जो कोन बाई इंडिया बैटिंग लेजेंड सचिन तेंदुलकर। इंडिया इंग्लैंड के साथ नैरो मार्जिन में 9 रन से आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में जो लॉर्ड्स लंदन में हुआ उसमें हार गई, और इंग्लैंड इट वॉज देयर फोर्थ वुमेन वर्ल्ड कप इनका था, मतलब इंग्लैंड ने जीत लिया। इंडिया स्कीपर मिथाली राज उनको आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप कैप चूज किया गया है बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन अनाउंस किया है इंडिया होस्ट करेगी मेंस वर्ल्ड चैंपियन 2021 के लिए, और मेंस 2019 जो होगा रशिया में होगा सिटी ऑफ सोची, और 18 जो है वो न्यू दिल्ली में। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कंपटीशन कमेटी ऑफिशियली अबाउट किया है इंडोनेशिया करेगी अंडर 19 एएफसी चैंपियनशिप 2018 के लिए। अच्छा, मिताली राज बन चुकी वुमेन क्रिकेटर जो स्कोर किया है मोस्ट रन इन ओडीआई। मिताली राज फर्स्ट वुमेन प्लेयर टू रीच 6000 ओडीआई रन्स। रवि शास्त्री बन चुके हैं इंडियन कैप्टन के न्यू हेड कोच। और लास्ट देख लेते हैं, इंडियंस सुंदर सिंह गुर्जर वो गोल्ड जीता थे उन्होंने 2017 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियंस इन लंदन में। तो गाइस अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नया वीडियो सब। टिल देन गुड।